हिमाचल से हैं राकेश शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी नमस्कार सर। मैडम जी, सलाम, जय हिंद, स्वागत आपका राकेश भाई। अगर मैं कल भी बात किया था, जी, याद है मुझे। हाँ, घूमता तो ले रहा हूँ, आराम हो रहा थोड़ा। एक मैं और आपसे क्वेश्चन किया था सर, उसके बारे में, गोंड मोरिंगा जो उसके साथ खस खस के साथ है, तो बताया नहीं सर आपने मेरे को कितनी खस खस, कितनी कितनी क्वांटिटी देनी है, मकदार जो भी बोलते हैं, कितनी डालनी है दूध में। ठीक है ठीक है। आधे से एक चम्मच खसखस दूध में खूब बारीक पीस लें, सिलबट्टे पर या किसी भी तरह। और गोंद मोरिंगा आधे से 1 ग्राम, और खसखस आधा चम्मच से 1 चम्मच तक, पूरे दिन में एक बार ले लें। ये आपके पेशाब की जाति के लिए, बार बार पेशाब जो आता है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फायदा मुमकिन है। जी सर, और कोई सवाल तो नहीं है आपका? चलिए, शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दर्शकों, अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में कॉल नहीं लगता है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अतिया हब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो तो आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है, दोबारा स्वागत है आपका। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, इसके बाहर तो कोई चीज नहीं मिलती, जामुन का गोंद और ये अलवीरा तो दे रहे हैं, तो एक पड़ोस में दुकान में बॉटल, लेकिन वो नकली है। और ये जैतून का सिरका नमक है, और जब इसका कलौंजी का नमक ये पूछते हैं तो बोलते, हंसते हैं दुकान वाले कि ये क्या चीज है, हमें भी ला के दे दो। तो मैं बोलती हूँ तो बहुत महंगी चीज है, आप कैसे लोगे? तो कह रहे हैं इतनी महंगी थोड़ी होती है, तो 10-5 रुपए की होती है नमक तो। जी हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं बता रहा था ना आपको कि सब नकली भी बना लिए हैं, अब वहाँ तक नकली पहुँचे नहीं होंगे, नहीं तो देने लगेंगे वो भी। ये गौन स्याह तो आपको पता है नकली कितना दे रहे हैं, और ये जैतून का सिरका भी नकली आ गया है। और उसमें क्या करते हैं, वो केमिकल का बना के और उसमें एक जैतून डाल देते हैं साबुत, ताकि आदमी विश्वास कर ले कि ये असली सिरका है। तो इन चक्करों में नहीं आना कोई भी। और एलोवेरा का भी सिरका उन्होंने नकली बना लिया है। तो देखिए, जो भी नुस्खे मैं बताता हूँ उनमें असली मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग ना जानते नहीं, जो भी दवाएं मैं जानता हूँ अक्सर लोग जानते नहीं, या फिर कुछ हकीम और लोग ना मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं जो बोलता हूँ उससे मिलती जुलती चीज़ वही बोल के देने लगते हैं। 10-12 लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये बना के नकली जगह जगह पहुंचा दिया, आपके यहाँ भी पास में पड़ोस में पहुंचा दिया। तो वो एक दिन अगर जो नहीं, अभी हंस रहे हैं लेकिन फिर वो बना के पहुंचा देंगे वैसा ही सब कुछ, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बस मेरी यही वो है कि आपसे रिक्वेस्ट के असली लें तभी फ़ायदा। कोई नकली ले लेता है, तो एक बार आपने भी नकली ले लिया था। और बस ये नक्कालों से कैसे, हम जब तक एक्टिव नहीं होंगे ये नक्काल अपना काम बंद नहीं करेंगे। और कोई सवाल है हमारी बहन का?